नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साउथ में। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ साउथ की टॉप 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर मिस्ट्री एक्शन क्राइम सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और कुछ फिल्में हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और वो कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारे फिल्में एक से बढ़कर एक है जिनकी कहानियाँ काफी थ्रिलिंग अमेजिंग और आपको में पूरी तरह से एंगेज करके रखती है, और ये पांचों फिल्में एक मस्ट वॉच है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बिना स्किप करके बने रहे ताकि आपसे एक भी मूवी मिस ना हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नंबर 4 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी वानम, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। ये हॉरर ड्रामा वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6/10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कास्ट में हमें उन्नीस सितारा भेत्री के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, कहानी एक कॉलेज के आसपास घूमती है जहाँ पर मदन नाम का एक लड़का हॉस्टल के एक ऐसा कमरा में शिफ्ट होता है जहाँ एक के बाद एक सुसाइड कर रहा होता है। लेकिन मदन के अपनी जान से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो उस कमरे के पीछे के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब मदन इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 3 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी ध्रुवंगल पाथिनारु, जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। ये क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8.2/10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कास्ट में हमें रहमान फोकस रकाबन के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो कहानी बरसात के दिनों में एक रात 3 आमिर जादव गाड़ी चलाते हुए एक आदमी को एक्सीडेंट करके मार देता है, और उसी रात को हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर एक आदमी अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। आप क्या इन दोनों मर्डर के बीच कोई कनेक्शन है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 2 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी बिग ब्रदर, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। ये एक एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 4/10 की रेटिंग मिली है। फिल्म के कास्ट में रजनीकांत, नयनतारा, कीर्ति सुरेश के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो कहानी कलैया नाम के एक आदमी के आसपास घूमती है जो गाँव के अध्यक्ष है। कलैया अपनी बहन थांगा मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि मीनाक्षी की शादी आसपास हो ताकि वो हमेशा आंखों के सामने रह सके। लेकिन यहाँ से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कलैया की जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। तो आखिर क्या है वो ट्विस्ट जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। और अगर आपने अभी तक इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 1 पे है तमिल लैंग्वेज की मूवी इच्छाड़िकाई, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। ये क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म है जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3/10 की रेटिंग मिली है। फिल्म के कास्ट में हमें सत्यराज, वरालक्ष्मी के साथ और भी बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो कहानी जेल से रिहा हुए एक युवक के आसपास घूमती है जिसने अपने चाचा के साथ मिलकर एक आमिर लड़की का अपहरण करता है, क्योंकि वो फिरौती मांग कर रातों रात बड़ा आदमी बनना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उस लड़की का पिता मामले की जांच शुरू करता है, जिसके बाद एक के बाद एक नया ट्विस्ट सामने आता है जो कहानी को पूरी तरह से उलझा देते हैं। जिसे सुलझाने के लिए आपको पूरी फिल्म को देखना होगा। ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आपने अभी तक नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये थी आज की टॉप 5 फिल्में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर साउथ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।